हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय योर लाइफ पे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूंगा नए साल की बधाइयां। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी कामयाबी लेकर आए, आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और आपके परिवार में खुशहाली रहे। साथ में मांगना चाहूंगा आपसे माफी क्योंकि काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पहले देखिए नए साल की पार्टियों में बिजी रहा, काफी घूमना भी हुआ और उसके बाद पड़ गया बीमार। अभी भी आप आवाज सुन रहे होंगे तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, और यकीनन मुझे भी ऐसा लग रहा है। हालांकि आज ही बोलने लायक हुआ हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। कल तक ये आवाज निकल ही नहीं रही थी गले से, बिल्कुल बैठ गया था गला। तो दोस्तों यहाँ पे वापसी की है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज से, क्योंकि T20I मैच है पहला और वो भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये सीरीज होने जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया आपके लिए वीडियो बनाने से। कल तक बिल्कुल बेड रेस्ट पे था लेकिन आज आपके लिए सीधा खड़ा हो गया हूँ LED पैनल के सामने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पूरा देखेंगे तभी मेरी मेहनत का रिजल्ट आप निकाल पाएंगे और वो होगा आपकी अच्छी कमाई के रूप में। तो वीडियो देखिएगा पूरा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, T20 इंटरनेशनल मैचेस है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए अभी जैसे मेरी तबीयत खराब रही, नया साल रहा तो वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन आपको टीम्स प्रोवाइड करते रहे लगातार अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप टेलीग्राम पे जो है एंजॉय योर लाइफ फैमिली। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है आपका जुड़े रहना इस ग्रुप के साथ, क्योंकि जब कुछ भी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं डाल पाते तब भी आपको लगातार हमारी टीम्स और इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप के थ्रू मिलती रहती है, जिसका फायदा आप लगातार उठा सकते हैं। और वहां पे जो भी अपडेट होते हैं वो भी हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लिंक में लगातार रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और सबसे ऊपर वाले कमेंट में, दोनों जगह आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैच की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों ही टीम के बीच में चार मैच का रिजल्ट आया है, एक मैच नो रिजल्ट रहा है और चार मैच जो रिजल्ट रहा है वो चारों के चारों जीते हैं इंडिया ने, जिसमें लेटेस्ट जो मैच था 2022 में खेला गया था, उसके बाद कोई मैच आपस में नहीं खेला गया है। फॉर्म की बात की जाए तो वो भी इंडिया की काफी बेहतर नजर आती है अफगानिस्तान के मुकाबले, तो ये मैच आपको थोड़ा सा इंडिया के फेवर में झुकता हुआ ही दिखाई देगा, उसी हिसाब से टीम बनाइएगा। उसके अलावा भी अफगानिस्तान टीम से आपको किस किस प्लेयर को मौका देना है जो आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में टीम इंडिया से भी वो प्लेयर जो इस सीरीज में खेलेंगे और जो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्राउंड की, तो मैच होगा कहाँ पे, PCA IAS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली चंडीगढ़ के अंदर। अब नॉर्मली ये मैदान पे आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं IPL के मैचेस, तो यहाँ पे मैं IPL के मैचेस का ही रिकॉर्ड आपको लेकर आया हूँ जो 2023 के अंदर ही खेला गया है। लेटेस्ट जो इंटरनेशनल मैच खेला गया इस ग्राउंड पे वो खेला गया था 2022 सितंबर मंथ में, तो लगभग काफी पुराना वो मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जो इन मैचेस में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वही लगभग उस मैच में भी हुआ था, मैं आप वो भी डिस्कस करूंगा जिससे आपको पूरा डिटेल पता लग जाए। देखिए ये अगर लास्टिंग मैच देखेंगे आप इस ग्राउंड पे जो हुए थे पिछले साल IPL में, तो पंजाब किंग्स 214 बनाता है 3 विकेट पे और वो भी चेज कर लेता है MI 216 बना के 4 विकेट के नुकसान पे। लखनऊ 257 बना देता है तो वो पंजाब किंग्स नहीं चेज कर पाता, लेकिन 201 का स्कोर पंजाब किंग्स तब भी बना लेता है। ये वाला मैच थोड़ा उतना स्कोरिंग हाई नहीं हुआ था, RCB 174 बनाता है और उसको डिफेंड कर लेता है। ओवरऑल 3 मैच में स्पिनर्स को मिले सिर्फ 9 विकेट, पेसर्स को मिले 25 विकेट। और दोस्तों वो 2022 का जो मैच था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 211 बना के वो भी चेज कर लिया था, तो आप समझ सकते हैं कितना बैटिंग फ्रेंडली पिच ये रहती है, मतलब बेस्ट बैटिंग पिचेस मान सकते हैं इंडिया की आप इस ग्राउंड पे जो मिलती हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। और अफगानिस्तान के स्पिन अटैक के सामने इंडिया ने बिल्कुल ठीक जगह मैच रखा है, इस जगह पे इस मैदान पे तो बिल्कुल इंडिया को दिक्कत होने वाली नहीं है अफगानिस्तान की उस पेस तिकड़ी से। और वैसे भी अफगानिस्तान को ठीक अब झटका लगा है एक मैच से पहले कि राशिद खान रूल्ड आउट हो गए हैं, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चंडीगढ़ भी पहुंचे हुए हैं लेकिन खेल नहीं पाएंगे, ये मैच भी नहीं खेल पाएंगे और हो सकता है बाकी के दोनों मैच जो है वो भी ना खेल पाए, तो ये झटका अफगानिस्तान को एक तगड़ा लगा है। हालांकि राशिद खान लंबे समय से नहीं खेल पा रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेले हैं, तो यहाँ पे भी खेलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा क्या होगी प्लेइंग 11, बैटिंग जो पिच कंडीशन है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, एक फ्लैट हाई स्कोरिंग बैटिंग पिच यहाँ पे मिलती है जहाँ पे पेसर्स को शुरू में कुछ ओवर में एडवांटेज रहती है और पेसर्स ही ज्यादा विकेट लेके जाते हैं, तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ एक कंडीशन में आपके लिए स्पिनर इफेक्टिव हो सकते हैं, वो क्या कि इंडिया पहले बैटिंग करे
तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया बड़ा स्कोर करेगी और उसके बाद उसको डिफेंड जब करेगी तो इंडिया के स्पिनर्स विकेट लेके यहाँ पे जा सकते हैं, इस चीज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा और समझेंगे तो एवरेज स्कोर रहता है 168 का, हाई स्कोर बना 257 का, लोएस्ट स्कोर बना 60 रन का। थोड़े स्टैट्स और देख लीजिए, टोटल मैच हुए 61 जिसमें 27 जीते बैटिंग फर्स्ट ने और 34 जीते बैटिंग सेकंड ने। तो ब्लैट फैट फ्लैट पिच रहती है, चेजिंग आसान रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्कोरिंग पैटर्न की तो 12 स्कोर 150 से नीचे के बने, 16 स्कोर बने 152-169, 172-189 के 22 स्कोर मिले और 190 प्लस के भी 11 स्कोर देखने को मिले। तो नॉर्मल आप रेंज मान सकते हैं, 170 प्लस का स्कोर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस पिच पे दोनों ही टीम से। हालांकि अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करे तो थोड़ा सा हिट एंड मिस ही रहेंगे, हो सकता है एक छोटे स्कोर पे भी आउट हो जाए और हो सकता है एक बड़ा स्कोर भी बना ले, क्योंकि उनके पास ज्यादातर जो बैट्समैन है वो हिट एंड मिस ही है, जिस दिन चलते हैं उस दिन अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, वरना छोटे स्कोर में आउट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। बात करते हैं प्लेइंग 11 की। देखिए इंडिया की T20 टीम में पूरे एक साल बाद वापसी हुई है कप्तान रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या जिनको कप्तान ही देने की बातें चल रही थी इतने टाइम से, अब वो इंजर्ड है, सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। उनके पास सेकंड इन कमांड तैयार कर रहे थे सूर्य कुमार यादव को, जिन्हें अभी पिछले सीरीज में दी भी थी कप्तानी, लेकिन इस सीरीज में वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी इंजर्ड है। तो यहाँ पे वापसी कराई गई है रोहित शर्मा की। शायद अब जो T20 वर्ल्ड कप है IPL के ठीक बाद, उसमें भी रोहित ही अब कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे आपको इंडियन टीम की, तो वहां उसकी प्रैक्टिस के लिए एक तरह से इस सीरीज को यूज किया जा रहा है और साथ में विराट कोहली को भी यहाँ पे इस T20 वर्ल्ड कप में शायद हम खेलते हुए दिखाई दे। तो रोहित के साथ ओपन करेंगे शुभमन गिल, फिर आएंगे विराट कोहली, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आवेश खान, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह, ये प्लेइंग 11 रह सकती है। हालांकि इस प्लेइंग 11 में वही रहेगा कि थोड़ा सा सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, थोड़ा सा जो चांसेस रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तिलक वर्मा थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, करने को देखिए। शुभमन गिल ने भी आपको याद होगा लास्ट सीरीज जब इंडिया की चल रही थी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वो कर रहे थे, हालांकि मैच में कर सकते हैं नहीं कन्फर्म नहीं है। रिंकू सिंह भी थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन इनको भी मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है तिलक वर्मा एक आधा ओवर डाल के आपको दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए काफी सारे लोग बेंच पे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी बेंच स्ट्रेंथ कौन सी है इंडिया की, उनमें से भी किसी को भी मौका मिल सकता है क्योंकि सीरीज का पहला मैच है। मैनेजमेंट अगर किसी प्लेयर को ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो टॉप फोर राइट हैंडर है, उसके बाद जो तीन है वो लगातार लेफ्ट हैंडर है। मेन बॉलिंग की जाए तो देखिए चारों मेन बॉलर हैं और इवन अक्षर पटेल भी यहाँ पे पूरे ओवर फेंकते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर किसी ओवर की बहुत ज्यादा पिटाई होती है तब बीच में एक आधा ओवर निकलवाना पड़ा तो शायद तिलक वर्मा से निकाले, वैसे चांसेस काफी कम रहेंगे। बात करते हैं यहाँ से अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो राशिद खान हो गए हैं बाहर, तो हजरत जदाई के साथ ओपन करेंगे गुरबाज, फिर आएंगे इब्राहिम जादरान, अमरजतुल्ला उमर जई, फिर आएंगे मोहम्मद नबी, नजीबुद्दीन जादरान, करीम जनत, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक और फजल हक फारूकी। तो दोस्तों ये टीम नजर आएगी अब आपको खेलती हुई। लेफ्ट राइट यहाँ देखेंगे तो सिर्फ जादरान यहाँ पे लेफ्ट हैंडर है और टॉप में जजाई लेफ्ट हैंडर है, तो दोनों ही हिट एंड मिस वाले प्लेयर जो है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंडर है, तो शायद कोई भी लेफ्ट हैंडर लंबी इनिंग खेलने के चांसेस काफी कम ही है, तो ज्यादातर राइट हैंडर ही रहेंगे। तो इंडिया को ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की जरूरत ज्यादातर जो जरूरत है वो दिखाई यहाँ पे नहीं देगी। डेथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोनों ही टीम से, तो देखिए इंडिया में अर्शदीप सिंह पक्का है जो करेंगे, इसके अलावा साथ में आवेश खान या मुकेश कुमार में से कोई एक कर सकता है जिसके ओवर अच्छे जा रहे होंगे, जिसकी लेंथ अच्छी पड़ रही होगी, ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो मुकेश कुमार को पिछली सीरीज में डेथ बॉलिंग करते हुए देखा गया, तो उनके चांस रहेंगे ज्यादा। अगर बात की जाए यहां से तो देखिए फजल अक फारूकी और नवीन उलहक, ये दोनों ही इनके मेन बॉलर हैं, तो वो दोनों की कोशिश ये करेंगे डेथ बॉलिंग उन दोनों से कराने की। हालांकि अगर किसी बॉलर के ओवर जल्दी खत्म करने पड़े तो फिर हम उमर जाई या करीम जनत के साथ भी जा सकते हैं डेथ बॉलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं सिंगल सिंगल प्लेयर स्टैट्स की। रोहित शर्मा कप्तान, अभी टेस्ट मैच में भी आपने देखा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, हाफ सेंचुरी जो आई उनके बल्ले से काफी अटैकिंग खेलते हुए ही आई और यहाँ पे जबरदस्त फॉर्म बनी हुई है ODI वर्ल्ड कप से ही, और T20 में पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ODI वर्ल्ड कप में जैसा किया वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पे इस सीरीज में भी करें और उसके बाद IPL में भी करें और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी करें। एटलीस्ट उस T20 वर्ल्ड कप तक इनकी जबरदस्त फॉर्म बनी रहे ये हम चाहेंगे। बेशक 30-40 बॉले खेल के आउट हो जाए, लेकिन 30-40 बॉले अगर खेल गए तो 70-80 का स्कोर तो एटलीस्ट करके जाएंगे, उस तरह का क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेगी। हालांकि थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगी क्योंकि अपने विकेट पे प्राइस टैग लगा के ये नहीं खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं टीम के लिए, जो स्कोर करते हैं वो इतना करना चाहते हैं कि टीम को जीत मिले,
अपने व्यक्तिगत किसी भी माइलस्टोन के लिए खेलता हुआ बंदा दिखाई नहीं देता है कि मेरे को 50 का स्कोर करना ही है, 40s में जाके भी लंबे स्कोर देख खेलने की कोशिश करते हुए ये दिखाई देते हैं। तो आपकी टीम में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हालांकि सीवीसी करने से बचेगा, जीएल में आपको इनको ड्रॉप भी करना है और सीवीसी भी करना है, दोनों चीज कर सकते हैं। फिर आएंगे शुभमन गिल, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ाई है लेकिन अब आ गए हैं T20 फेज में जो इनका इंपॉर्टेंट फेज रहता है। पिछले साल के आईपीएल में भी आपने देखा इन ग्राउंड्स ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो मैच नहीं खेला है अभी तक अफगानिस्तान के सामने, लेकिन इस ग्राउंड पे दो मैच खेले हैं, उसमें 132 रन बनाए हैं टोटल, तो इस ग्राउंड पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली की बात की जाए तो इनका तो आप आंकड़ा देखिए, हेड टू हेड 3 मैच 172 रन और 172 की एवरेज, इसे मतलब 2 ओवर नॉट आउट गए हैं। और वेन्यू की बात की जाए तो 11 मैच में 402 रन 44 की एवरेज से, तो वेन्यू पे भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, हेड टू हेड भी अच्छा खेला है और नॉर्मली तो ये अच्छा ही खेलते हैं। तो बेस्ट पिक रहेंगे आपके सीवीसी के भी, विराट कोहली वन डाउन खेलेंगे। बात करते हैं जितेश शर्मा की, थोड़ा सा हिटन मिस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव खेलते हैं, इनका स्टाइल वही है और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अपनी टीम में लेंगे तो थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेंगे, लेकिन कभी भी आपको 50-60-70 रन की पारी खेल के दे सकते हैं अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिर गए तो। T20 में अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इस वेन्यू पे जो खेला है अभी तक उसमें अच्छा खेला है, 9 मैच में 199 रन है 28 की एवरेज से, ये जो स्कोर है वो है आईपीएल के। मैं बोलूंगा टीम में आप ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एज ए रिस्की ट्रम्प कार्ड पिक लेंगे तभी अच्छा रहेगा। इनसे बेटर पिक रहेगी तिलक वर्मा, जिन्होंने ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की है, हालांकि यहाँ पे रिसेंट में कोई आपको बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा और नीचे बल्लेबाजी करते हैं 5 या 6 नंबर पे तो उतनी बैटिंग नहीं आती है, तो बहुत अच्छी पिक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ऊपर के विकेट जल्दी गिरेंगे और मिडिल ऑर्डर रन बनाएगा, तब तिलक वर्मा आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 मैच में 310 रन 34 की एवरेज से, इस ग्राउंड पे एक ही मैच खेला है उसमें 26 रन बनाए हैं। फिर आते हैं रिंकू सिंह, T20 में MS धोनी वाला काम इन्होंने अभी तक करके दिखाया है, अब कितने लंबे समय तक कर पाएंगे ये पता लगेगा, देख के अगर वैसा काम कर सकते हैं लंबे समय तो इंडिया की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक पहली बैटिंग के केस में एक डिसेंट पिक रहेंगे, दूसरे रनिंग के केस में आप इनको आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, फॉर्म जबरदस्त है, रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, इस ग्राउंड पे 4 मैच में 84 रन बनाए हैं, लेकिन अब सिर्फ बैटिंग ऑर्डर का पंगा है, बैटिंग ऑर्डर नीचे करते हैं, हो सकता है इनकी बैटिंग ही ना आए तो वो एक नेगेटिव जाता है। फिर आते हैं अक्षर पटेल, इंडिया की पहले बैटिंग बाद में बॉलिंग आए तो एक डिसेंट पिक, पहले बॉलिंग आए तो फिर उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, स्पेशली इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छे हैं, टू एड 1 मैच में 0 ही रिकॉर्ड है, वेन्यू पे 24 मैच में 20 की एवरेज से रन बनाए हैं और 27 विकेट भी निकाले हैं, तो इस वेन्यू पे पर मैच 1 विकेट तो निकाला ही है। पहले बैटिंग आती है इंडिया की तो फिर ये कुछ रन भी बना के दे देंगे, तो तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। कुलदीप यादव को आप दोनों टीम इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह के विकेट टेकिंग फॉर्म में ये है, 34 मैच में 58 विकेट है और इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है उसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, टीम के खिलाफ नहीं खेले लेकिन यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की टीम है वो नेट पे खेलती है, राशिद खान को, नबी को, नूर अहमद को, क्वैस अहमद को, तो उनको स्पिन को खेलना आता है, मुजीब अहमद को भी, तो फिर यहाँ पे कुलदीप उतने इफेक्टिव शायद ना हो इस ग्राउंड की वजह से और इस पोजीशन की वजह से कि आपको उनको सेकंड इनिंग में सीवीसी बना पाए, लेकिन टीम में आपको तब भी इनको सेकंड इनिंग में तो जरूर रखना है, इवन पहले इनिंग में भी एक डिसेंट पिक ये आपके लिए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवेश खान की। देखिए थोड़ा सा हिट एंड मिस बॉलरिंग में इनको मानता हूँ क्योंकि जब इनकी लैंडलाइन सही पड़ती है तो इनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा 4-5 में से एक ही मैच में होता है, बाकी मैच में अच्छी खासी पिटाई भी होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी नहीं कर पाते, अपनी लैंड पे लाइन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 मैच में 3 विकेट लिया, उसके अलावा नॉर्मल जो परफॉर्मेंस है वही रहा, 19 T20 मैच में अभी तक 18 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, कोई विकेट नहीं लिया है। पहले बॉलिंग के केस में आप इनको ले सकते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, हालांकि जीएल में आप दोनों ही टीम इनिंग में इनको टीम में रख सकते हैं। मुकेश कुमार की बात की जाए तो काफी इंप्रेस किया हालिया में, जब जो सीरीज चल रही थी लास्ट, इसके बीच में शादी करने भी चले गए थे और अगले मैच में वापस भी आ गए थे, तो यहाँ पे एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि लैंडलाइन काफी अच्छी डाल रहे हैं और इंडिया इनको काफी भरोसा कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको काफी मौके दिए जा रहे हैं, तो अपनी जान लगाएंगे और अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की जाएगी, सामने वाली टीम की बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं है तो ये गुच्छे में विकेट ले सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए। आपको पहले इनिंग में तो मस्त पिक रहेंगे, जरूर टीम में लेना है, इवन दूसरे इनिंग में भी आप इनको ले सकते हैं। 11 मैच में 10 ही विकेट है अभी तक ओवरऑल, वेन्यू पे 4 मैच में 2 ही विकेट है, लेकिन सीरीज में ये आंकड़े जो होंगे वो बदल सकते हैं। बात करते हैं हरदीप सिंह की, अब ये मेन लीड बॉलर हो जाएंगे इंडिया की टीम से, तो यहाँ पे 42 मैच में 59 विकेट है इनके नाम पे, हेड टू हेड 1 मैच में 1 ही विकेट है, वेन्यू पे 10 मैच में 13 विकेट है, तो वेन्यू पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, लेकिन स्पेशली इस टीम के सामने अच्छी विकेट निकाल सकते हैं और
पिछले कुछ समय से उतना विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जो लास्ट सीरीज के लास्ट दो मैच थे उसमें इन्होंने वापस वो लय पकड़ी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे काफिले हो जाएंगे। बेंच पे है वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, हो सकता है गिल के बदले जायसवाल को मौका दे दिया जाए सीरीज में ओपन करने का। अगर ये खेलेंगे तो भाई जरूर टीम में लेना अपनी, क्योंकि बंदा डेडिकेशन से खेल रहा है, लगातार बड़ा स्कोर कर रहा है। संजू सैमसन को भी स्क्वाड में लिया गया, क्या खिलाया जाएगा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। शिवम दुबे हैं, क्या हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको एक बार दोबारा देखा जा रहा है, तो अगर मौका मिलता है तो इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। और साथ में है रवि बिश्नोई, खेलेंगे तो सेकेंड इनिंग में एक बहुत अच्छी पिक हो जाएंगे, पहले इनिंग में आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान की, और ये वाला पार्टनर थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो प्लेयर होंगे जो आपको जिताएंगे या हराएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिताई खेलेंगे, थोड़ा सा हिट एंड मिस प्लेयर ही रहते हैं। सामने की बॉलिंग इंडिया की काफी जबरदस्त है, हालांकि मेन जो बॉलिंग है हमारे अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके आगे काफी अच्छा रहेगा। और जिताई अपने थोड़ा जीएल पिक ही रहेंगे, स्मॉल लीग में रिस्क रहेंगे, हेड टू हेड दो मैच में टोटल 13 रन ही बनाए हैं। फिर आते हैं गुरबाज, एक बेहतर पिक, थोड़ा सा हिट एंड मिस में इनको भी मानता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली जिताई के ये थोड़ा सा बेहतर नजर आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, और जब खेलते हैं ना तो बड़ी इंपैक्ट वाली इनिंग भी खेल जाते हैं। लास्ट पांच मैच में आपको एक सेंचुरी भी दिखाई देगी, एवरेज 24 का ही है, हेड टू हेड दो मैच में 19 रन है, वेन्यू पे एक मैच में 22 रन, लगातार अटैकिंग खेलते हैं और आउट होने के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन कई बार कम ही बॉलों पे एक इंपैक्ट वाली इनिंग खेल जाते हैं, तो कंपैरेटिवली एक अच्छी पिक। वैसे नॉर्मली मैं बोलूंगा थोड़ा सा हिट एंड मिस पिक ही आपको इनके मान के चलिएगा। अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो देखिए इब्राहिम जादरान, जिनको आप कप्तानी भी दी गई है इस टीम की, वो थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली आप इनको एक टेस्ट मैच प्लेयर या ओडीआई मैच प्लेयर मान सकते हैं, लेकिन टी20 में भी कंसिस्टेंसी दिखाई है इन्होंने। लास्ट पांच इनिंग में 59 की एक अच्छी इनिंग आई है, 26 ओवरऑल एवरेज है, हेड टू हेड जो एक मैच खेला है इंडिया के सामने उसमें 64 की पारी इन्होंने खेली थी, तो इस पारी से भी कॉन्फिडेंस लेंगे। अब कप्तान है तो अपने आप को साबित भी करना है, और इस पारी के आसपास की पारी खेल गई तो आपकी टीम में आपके वारे न्यारे कर जाएंगे। तो मैं बोलूंगा अगर आपको टॉप तीन में से कोई एक ही बैट्समैन लेना हो तो सबसे पहले लीजिएगा इब्राहिम जादरान को, दूसरे नंबर पर लीजिएगा गुरबाज को, और जजाई को तो मत ही लीजिएगा, जीएल में ही लीजिएगा, स्मॉलिंग में रिस्की पिक हो जाएंगे। ओमर जाई को अभी लास्ट सीरीज हुई थी उसमें 4 नंबर पर बैटिंग कराई थी और साथ में कुछ बॉलिंग भी कराया जा रही थी, तो इस नंबर पर खेलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए, बहुत अच्छी पिक हो जाएंगे। इवन जीएल के अंदर सीबीसी भी कर दीजिएगा, स्मॉलिंग में सीबीसी करना ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो यहाँ से उमर साई भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। 24 मैच में 17 की एवरेज है, साथ में 11 विकेट है, हेड टू हेड पे एक मैच में एक रन है, एवरेज भी एक ही है। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम के, बैटिंग भी करेंगे कुछ बॉलिंग भी करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद आप इनसे नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में खेलने का काफी एक्सपीरियंस है इनको, और ऊपर से अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है तो थोड़ा सा संभाल सकते हैं। 22 की एवरेज है, साथ में 189/87 विकेट है, हेड टू हेड देखेंगे तो 4 मैच में टोटल 74 रन है, साथ में एक विकेट भी है, वेन्यू पे भी एक मैच में 12 रन, कोई विकेट नहीं। थोड़ा सा बैटिंग फॉर्म में डिप आया है रिसेंटली, बॉलिंग कभी कभी एकदम से अच्छी कर देते हैं, कभी कभी एकदम लेंथ खराब रहती है, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेगा वो, लेकिन सीबीसी करने से बचिएगा, इनकी फॉर्म बहुत अच्छी फिलहाल नहीं है। फिर आएंगे एन जादरान, बहुत उम्मीदें थी इनसे जब नए नए आए थे तो काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन अब निराश करने लगे हैं, खराब शॉट खेल के अपना विकेट गंवाने लगे हैं, तो जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉलिंग में एक रिस्की पिक हो जाएंगे। फिर आएंगे करीम जनन, ये आपके लिए फिर भी डिसेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी बैटिंग तो जरूर आएगी, बेशक 7 नंबर पे हैं तो आपको बैटिंग से भी कुछ पॉइंट देंगे और लगभग आपको कुछ ओवर भी डालते हुए दिखाई देंगे। 52 मैच में 17 की एवरेज है, साथ में 39 विकेट्स भी है, तो ये आपके लिए एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। हेड टू हेड भी देखिए 2 मैच में 44 रन आए हैं, नूर अहमद यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में इंडिया के सामने भी अच्छा किया है, आईपीएल में भी अच्छा किया है, और यहाँ पे अगर आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 320 में 4 ही मैच है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा पिछले एक साल में इन्होंने काफी कुछ सीखा है और अच्छी गेंदबाजी करने लगे हैं, तो सेकेंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तब आप ट्राई कर सकते हैं। मस्ट पिक मैं तब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान अगर एक अच्छा स्कोर बना पाएगा 150 प्लस का तभी ये विकेट लेने के चांस इनके बनेंगे। फिर आएंगे मुजीबुर रहमान, देखिए जीएलपी की मैं बोलूंगा, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, एक मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पे 6 मैच में 3 विकेट है, तो बहुत अच्छा नहीं खेल करते हैं परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ, और स्टार्टिंग में पावर प्ले में करेंगे, पावर प्ले में अगर विकेट मिल गया तो मिल गया, अगर सामने से अटैक करेंगे शुभमन गिल भी करेंगे और रोहित भी करेंगे तो वो एक जो बैटल होगी वो बहुत देखने वाली होगी। मुजीब को विकेट भी मिल सकता है वहां पे और बहुत तगड़ी पिटाई भी हो सकती है, तो मैं बोलूंगा आपके लिए थोड़ा सा हिट एंड मिस प्लेयर ही रहेंगे इस मैच में भी, जीएल में ट्राई कीजिएगा और सेकंड इनिंग में बॉलिंग के टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। नवीन उलग और फारूकी, देखिए दोनों मैं बोलूंगा फारूकी के पास एक एडवांटेज रहता है, लेफ्ट आर्म पेस वाला एंगल जो इंडिया के बैट्समैन को कई बार तंग करता है, नवीन उलग की भी एक्स्ट्रा पेस जो है और
आईपीएल में खेलने का जो एक्सपीरियंस है उनको काम आ सकता है। अब दोनों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनकी पहले बॉलिंग आए तब, अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तब एक अच्छे पिक ये नहीं रहेंगे, इस बात का दोनों का ध्यान रख लीजिएगा। बेंच पे इनके पास काफी सारे प्लेयर हैं, इनको मौका शायद इस मैच में खेलने को ना मिले, इस सीरीज में आगे शायद इनको मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे सारे स्टैट्स, चलिए बनाएंगे हमारी टीम। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं इस मैच के लिए हमारी टेंटेटिव स्मॉल लीग टीम। याद रखिए फाइनल टीम डिपेंड करेगी काफ़ी कुछ के कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम पहले कर रही है बॉलिंग, उसी हिसाब से हम टीम इंडिया के स्पेशली प्लेयर्स अपनी टीम में लेंगे और अफगानिस्तान के भी। तो वो फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में, दोनों जगह आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए हमारे टीम्स का और हमारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा लीजिए। बात करते हैं टीम का, देखिए विकेट कीपर शर्मा में गुरबाज आपसे अच्छे पिक रहेंगे, इसके अलावा जितेश शर्मा अगर चार नंबर पर बल्लेबाजी होगी और इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। संजू सैमसन भी अगर टॉप 4-5 में मेंशन होंगे तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। बात करते हैं बैटिंग की, तो देखिए इंडिया के टॉप 3 गिल, रोहित और कोहली हमने तीनों को लिया है, साथ में इब्राहिम जादरान के साथ भी हम जा रहे हैं जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहते हैं आपको मैंने बताया। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो दोनों ऑलराउंडर मैंने लिए हैं अफगानिस्तान के नबी और ओमरजाई, हमें ठीक ठाक पॉइंट शायद ये दोनों में प्लेयर जो होंगे वो दे दें बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। अगर नेब खेलेंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे और आप चाहें तो करीम जनत के साथ भी जा सकते हैं। बॉलिंग में हमने लिया है कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, साथ में मुकेश कुमार और आवेश खान, चारों इंडियन के बॉलर हमने ले लिए हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान पहले गेंदबाजी करती है तो शायद हम इतने जो बॉलर होंगे इंडिया के ना लें, तब नवीन उल हक के साथ हम जा सकते हैं, साथ में फजल हक फारूकी के साथ हम जा सकते हैं और तब हमें इंडिया का एक आधा बैट्समैन एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि तब टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगा। सीबीसी की बात की जाए तो ये भी डिपेंड रहेगा कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो हमें दोनों बैट्समैन के साथ हम जा सकते हैं सीबीसी, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो हम दो मेन बॉलर्स के साथ भी सीबीसी जा सकते हैं। वैसे जो सेफेस्ट पिक रहेंगे कप्तानी के वो रहेंगे विराट कोहली, इसके साथ आप गिल या रोहित शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, और गेंदबाजी में जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे अर्शदीप सिंह, इसके अलावा आप कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, आवेश खान के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगी टेंटेटिव टीम, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।